अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम अपने मकतब से निकले हैं, थोड़ी यहाँ पर नाश्ते में भुने हुए सालन मिलते हैं, तो मुझे डबल रोटी लेनी है, तो हम जा रहे हैं, आप ही मेरे साथ आए। ये सब मकतब हैं, और ये वो शटल बसें हैं जो कि हमें यहाँ से ले जाती हैं और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक जगह ले जाती हैं, वहाँ से हम एक और बस लेते हैं, वो क्लॉक टावर ले जाती है। ये जो बसें हैं ये शटल बसेस हैं। पाकिस्तानी मकतब है इस तरह के, इनके ये कैनिस्टर टाइप ये इसमें आते हैं, इसमें सालन वगैरह होते हैं। इस तरीके से ये कोफ्ता है, ये हलीम है, और मेन्यू इन सब का एक ही जैसा है। सब मकतबों में खाना आ रहा है, इसको बिल्डिंग ही कहते हैं, समझ रहे हैं, बिल्डिंग ही अब ज़्यादा कहते हैं, पहले ज़माने में इसको मकतब कहते थे। और अभी ये एक स्टोर सा है, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि लाइट सी, निहारी हलीम वगैरह नहीं खाया जाता। छोटा सा स्टोर है, नहीं अंडे नहीं लेने। बंस ओके, डबल रोटी नहीं है, जैम है, अच्छा जैम दे देना, मिक्स्ड मिक्स्ड फ्रूट जी। अंडे बस ले लेते हैं फिर, लेकिन उसको पकाना मुश्किल होगा, बॉयल केटल में सही नहीं होते, बस इनफ। मिक्स्ड फ्रूट है, बस ये सही है। हाँ तो नहीं पाई, नहीं नहीं साफ। लबन लबन की लस्सी है। दुकान के बाहर कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं, ये चाय है। ईशा से पहले का ये टाइम है, एक और बिल्डिंग है पाकिस्तान की, अजीजिया मैं आपको दिखा रही हूँ, पूछ के ले लो जो मर्जी ले लो। ये फ्रूट्स हैं यहाँ पे, अगर अभी कुछ हाजी रहते हो और उन्होंने आना हो तो थोड़ा सा सीजिया कंड का टूर हो गया, और ये जो है मैं उधर से भी वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को पाकिस्तान हज मेडिकल कमीशन का भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ये एम्बुलेंसेस जो नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तानी मेडिकल मिशन हॉस्पिटल है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी हज मेडिकल मिशन है। कोई बीमार हो जाए तो यहाँ आते हैं तो
पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं जो हज उम्रा भी हज भी कर लेते हैं और यहाँ पर सर्विसेज भी देते हैं। इसमें माइनर ओटीज भी हैं, वार्ड्स भी हैं, गाइनी के लिए भी ओपीडीज हैं, तो मतलब कोई भी सर्विस, मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर मिलती है ना। और ये जो हम टर्न ले रहे हैं और वहाँ से हम आ रहे हैं, सारा का सारा जो है जिजिया का वो पार्ट है कि जिसमें हमारी बिल्डिंग है। और लोग अपने प्यारों से बात कर रहे होते हैं, वो मस्जिद है। ये ऑलमोस्ट इशा का टाइम होने वाला है। कैनिस्टर तो खाने के मैंने आपको दिखा दिए थे, और इस तरह की बसेस में खाना आ रहा होता है और ये मकतब जो बिल्डिंग्स है उसमें जा रहा है, और ये बाकायदा इसका चेक होता है कि ये हाइजीनिकली ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर ये देखिए चेक हो रहा है, इसकी क्वालिटी चेक हो रही है। और अब ये हमारा मकतब आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे करेक्ट किया है कि अब इसको बिल्डिंग कहते हैं, तो बिल्डिंग आ रही है। और डिस्पोजेबल चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो इस तरह यहाँ पर डंप पंप की होती है, उसके पीछे पर ज़ाहिर है उनके गार्बेज के ट्रक्स आते हैं तो वो हटा लेते हैं। अभी मैं आपको अपना मकतब थोड़ा सा दिखाती हूँ। अपना रूम इसलिए नहीं दिखा पाती कि मेरे साथ ग्रुप की तीन और औरतें हैं और मेरे हस्बैंड के साथ ग्रुप की तीन और मर्द हैं, तो प्राइवेसी की वजह से हम नहीं दिखा पाते। लेकिन बड़े अच्छे रूम्स हैं। ये हमारा कुछ ऐसा सीन होता है। ये जो ऊपर है ये मस्जिद है, यहाँ पर हम लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं अगर हम लोग हरम शरीफ में ना गए तो। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा डाइनिंग रूम भी चेक करवाती हूँ, डाइनिंग हॉल, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ज़ाहिर है फिर अच्छा नहीं लगता मुझे कम मतलब वीडियो बनाना, तो कुछ इस तरीके से ये डाइनिंग हॉल है। ये हमारे लोग ये मुल्तान से हैं, बहुत अच्छे कुछ है। यहाँ पर हम तीन वक्त का खाना खाते हैं अगर हम मौजूद होंगे तो, दो वक्त का तो नाश्ता तो होता ही, और रात 11:30-12 बजे भी फिर हम वापस आते हैं तो यहाँ पर खाना होता है। अभी ये सब लोग ये लोग चीज़ें सेट कर रहे हैं। आज के खाने के बाद वैसे कहवा होता है लेकिन आज चाय है, और चाय तो मेरी सभी जान है। आज तो चाय है ना, आज चाय है ना। हाँ ठीक है, ये हम एंटर होते हैं, ऐसे टर्न करते हैं। ये हाजियों ने कपड़े धोए हुए हैं, ड्राई करके प्रेस तरह रखते हैं, तो ये आराम वगैरह भी होते हैं, कपड़े वगैरह भी होते हैं, ये सीन है।
यहाँ पर कपड़े सिलते हैं। इस तरह करके रूम्स हैं।